अगले महीने 25 नवंबर को 5 करोड़ से ज्यादा वोटर राजस्थान के ये तय करेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व अगले 5 साल तक कौन करेगा, यानी कि वो अपनी सरकार को चुनने वाले हैं। 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ही ऐसे दल हैं जो वहां पर मुख्य रूप से आमने सामने टकराने वाले हैं। कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आपको वो 3 मुद्दे बता देते हैं जो इन चुनाव में काफी अहम रहने वाले हैं और हार जीत भी तय करने वाले हैं। पहला मामला है पेपर लीक का। राजस्थान में पेपर लीक मानो आम हो चला है। गहलोत के कार्यकाल में करीब 14 मामले पेपर लीक से जुड़े रहे, जिससे राज्य के लगभग 1 करोड़ युवा प्रभावित हुए। इस बार राजस्थान में 48,92,000 मतदाता पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, यानी कि इन युवा मतदाताओं के लिए ये सबसे बड़ा मसला हो सकता है जो गहलोत को चुनाव में महंगा पड़ सकता है। दूसरा मुद्दा है महिलाओं के खिलाफ अपराध। 2.5 महीने पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि राजस्थान में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के 33,000 मामले दर्ज हुए, लेकिन गांधी परिवार चुप रहा। वहीं राजस्थान में बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे ने भी दावा किया कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान में हो रहे हैं। सिर्फ 54 महीने में ही 10 लाख से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। आधी आबादी पर हो रहा यह अत्याचार भी गहलोत को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। इस बार राज्य में 2,51,00,000 महिला मतदाता हैं। उनके लिए अपनी सुरक्षा अन्य मुद्दों से ज्यादा अहम हो सकती है, जिसका असर चुनावी नतीजों पर भी दिख सकता है। वहीं तीसरा मसला है भ्रष्टाचार का। कांग्रेस नेता सचिन पायलट गहलोत के लगभग पूरे कार्यकाल में ही इस मुद्दे को लेकर खुद मुखर रहे हैं। अब भले ही सचिन पायलट रात गई और बात गई, आगे की देखते हैं कि बात कर रहे हो, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर उनका अपनी ही सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करना कोई कैसे भूल सकता है। जयपुर के 2 मेयरों को रिश्वतखोरी के मामले में उनके पतियों के शामिल होने के कारण निलंबित भी किया गया। इसके अलावा बीजेपी ने राजस्थान सरकार की मुफ्त राशन किट योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया था। ऐसे में करप्शन इस बार राजस्थान चुनाव में बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। अगर गौर से देखा जाए तो ये तीनों ही मुद्दे सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनाव में गले की हड्डी बन सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस का दूसरी बार सत्ता में आने का सपना भी चूर चूर हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन तीनों ही मुद्दों का फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में चुनाव से पहले जो उथल पुथल मची है वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। राजस्थान में बीजेपी की सबसे ताकतवर नेता वसुंधरा राजे को इन चुनाव में दरकिनार कर दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पार्टी में चल रही कलह चुनाव से पहले खत्म कर ली है। हालांकि जानकार अभी भी मान रहे हैं कि गहलोत के लिए पार्टी में सचिन पायलट ही एकमात्र बड़ी चुनौती है। उधर वसुंधरा के लिए दिया कुमारी को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सचिन और दिया दोनों ही युवा नेता हैं। ऐसे में क्या ये गेम चेंजर साबित हो पाएंगे, ये एक प्रश्न है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।